हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं न्यू R15 2022 की न्यू लेटेस्ट बाइक। उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस चैनल के अंदर। तो हम दिखाने वाले हैं इस बाइक का पूरा रिव्यू आपको इस वीडियो में। बनाइए रहिए हमारे साथ वीडियो में आप। हाँ तो फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं न्यू R15 V3 मॉडल। जी हाँ दोस्तों, ये 2022 का लेटेस्ट V3 मॉडल है। वैसे तो V4 मॉडल भी है, लेकिन हमने सिर्फ V3 मॉडल ही चूज़ किया है वीडियो के लिए। हाँ तो इसमें जो भी चेंज हुआ है इस R15 में हम दिखाने वाले हैं। आपको पता होगा कि V4 के अंदर यहाँ पे लाइट दे रखी है कंपनी ने, ये सब लाइटें बंद कर रखी है, डेयर लाइट है, ये सब बंद कर दी है। इसके अंदर कंपनी ने V4 जो मॉडल है उसके अंदर, ये पुराना मॉडल के अंदर जो भी है इसका, इसके अंदर ये लाइटिंग रखी गई है। लेकिन V4 के अंदर यह बीच के अंदर लाइट दी है और साइड के अंदर DRL लाइटें दे दी गई हैं वाइट कलर की। एक तो ये चेंज है V4 में, V3 के बजाय न्यू R15 की इसमें आपको यहाँ बेजिंग मिल जाएगी। ये VVA वेरिएबल वाल्व एजुकेशंस मिल जाएगा लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। R15 वर्जन 3 है ये, यामा की बेजिंग यहाँ मिल जाएगी R15 की। ये एक और इधर यामा की बेजिंग मिल जाएगी। सबसे बड़ा जो चेंज किया है R15 V3 के अंदर ये है सीट्स का। ये देख सकते हैं आपकी उसकी सीट की और इसकी सीट में रात दिन का अंदर है। उसके अंदर पहले सीधी सीट थी, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं सीट पूरी ही चेंज कर दी गई है। ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इस न्यू R15 V3 मॉडल में पहले की ही तरह 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है न्यू R15 में। यह इंजन 10,000 RPM पर 18.6 PS का पावर और 8,000 RPM पर 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है इंजन। ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा कुछ काफ़ी बदलाव नहीं किया गया है पहले के मुकाबले। जो पहले इंजन आता था या फिर पहले जो भी गाड़ी आती थी, इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। वैसा का वैसा ही मॉडल इसमें दिया गया है, लेकिन कंपनी कुछ कुछ जगह पर इसमें चेंज किया गया है, जैसे कि सीट चेंज कर दी है और इंजन में थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ चेंज है, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। और ये थोड़ा ग्राफिक्स के अंदर चेंज है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि न्यू ABS दे दिया गया है। शायद पहले भी ABS आता था, लेकिन हो सकता है इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज करके ABS दिया हो। ये VVA कुछ फंक्शन नया दिया गया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये R15 V3 की बेजिंग मिल जाएगी, नीचे आप देख सकते हैं यामा की बेजिंग मिल जाएगी। हाँ तो फ्रंट अगर फ्रंट में अगर हम बात करें तो फ्रंट में इसमें डिस्क दिया गया है और वो भी विथ ABS के साथ में, यहाँ देख सकते हैं कि ABS लगा हुआ है इसके अंदर। और ये फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और शायद रियर के अंदर भी, हाँ देखने को मिल जाएगा आपको कि रियर के अंदर भी डिस्क दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल। पीछे टेल लाइट मिल जाएगी, LED टेल लाइट दी गई है इसके अंदर। इंडिकेटर LED इंडिकेटर नहीं है, सादे इंडिकेटर दिए गए हैं। सीट्स आप देख सकते हैं कि सीट्स में पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। हम इसको आपका मीटर भी दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं आप ये साइड के अंदर ब्रेक दिया गया है, हाइड्रोलिक पावर ब्रेक है, 6 स्पीड गियर बॉक्स। आप देख सकते हैं कि कूलेंट की बोतल दिख रही होगी आपको, कूलेंट की बोतल दे रखी है। इंजन लिक्विड कूल्ड इंजन है ये, रेडिएटर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, जाली के अंदर दिख रहा होगा सब आपको। आप देख सकते हैं ये चेन। हमने इसकी टेस्ट ड्राइव भी ली है, चलाने में तो बहुत ही अच्छी बाइक है, स्पोर्ट बाइक है। हालांकि भारत में दो ही गाड़ियां सबसे ज़्यादा स्पोर्ट बाइक में पूछी जाती है, एक R15 और एक KTM। और हमने KTM में चला के देख रखे पहले भी, और अभी हम R15 ड्राइव कर रहे हैं। इसको चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वैसे सही है R15 V3 मॉडल। अगर फ्रेंड इसमें टायर की बात करें तो अपन 100/80-17 MC
52 PE के टायर इसमें मिल जाएंगे फ्रंट में, और रियर के अंदर देख सकते हैं कि अभी इसमें कंपनी एमआरएफ दे रखे हैं, कंपनी कोई सा उधर टायर दे सकती है, पीछे 140/70 के दे रखी है, टायर में डिफरेंट आ सकता है। ये आप देख सकते हैं कि साइलेंसर इसका, यहाँ पर ब्रेक के लिए, ब्रेक कोल के लिए डिब्बी दे रखी है कि फ्रंट में और रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक दिया है कंपनी ने इसके इसके अंदर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितना हैवी इसके अंदर पीछे की तरफ शोकर दिया गया है, फ्रंट के शोकर भी हम आपको दिखा देते हैं, कितनी हैवी शोकर लगे हुए हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, हैवी शोकर लगे हुए हैं। और हॉर्न ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी के हॉर्न इसमें नीचे की तरफ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि हॉर्न बिल्कुल साफ दिख रहा है, ईयर बिल्कुल हॉर्न नीचे की तरफ दिए गए हैं, और आपको रेडिएटर भी दिख रहा होगा सामने सामने दोस्तों बिल्कुल। जिस अपन जिस इस गाड़ी की बात कर रहे हैं ये R15 V3 मॉडल है दोस्तों, V3 मॉडल है। हाँ तो फ्रेंड्स अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो R15 की लंबाई 1990 mm, चौड़ाई 725 mm, ऊंचाई 1135 mm, और इसका व्हील बेस 1325 mm है। ग्राउंड क्लियरनेंस 170 mm का है। इसका कुल वजन 142 किलो है। इसकी सीट की ऊंचाई अगर बात करें तो 815 mm की इसकी सीट है। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 11 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि न्यू R15 V3 मॉडल आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि वैसे पहले के मुकाबले ज़्यादा चेंज नहीं है, मैंने अभी पहले भी इस वीडियो में कहा था कि ज़्यादा चेंज कुछ नहीं है, वैसे की वैसी ही लग रही है ये 2022 R15 V3 मॉडल। हाँ तो फ्रेंड्स कंपनी ने दावा किया गया है इसके माइलेज को लेकर कि 48.75 किलोमीटर तक का इसका माइलेज दिया है कंपनी ने, और ये प्रमाणित किया गया है कि 48.75 किलोमीटर तक इसका माइलेज निकाल देती है ये R15 V3 मॉडल। इसमें फ्रंट एयर रियर में दोनों में ABS दिया गया है, ड्यूल ABS। और अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत के बारे में बात करें तो 190 के आसपास इसकी कीमत है शोरूम, और एक शोरूम कीमत है इसकी 2 लाख के आसपास।